तो मेयर मुनीश गुर्जर मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, एसीबी की एफआईआर रद्द कराने के मामले में होगी सुनवाई। जस्टिस समीर जैन की कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। एसीबी में दर्ज मुकदमे के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची है मुनीश गुर्जर। याचिका में राज्य सरकार और सुधांशु सिंह को बनाया गया है पक्षकार। कोर्ट के फैसले पर काफी हद तक निर्भर है मुकेश, दरअसल मुनीश गुर्जर का भविष्य है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मेयर मुनीश गुर्जर मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। खबर को विस्तार देंगे इस वक्त मेरे साथ मौजूद है फोनलाइन पर सोमू आनंद। सोमू है, और अब दो हफ्ते के बाद जो है इस मामले में अगली सुनवाई होगी, क्योंकि आज सुनवाई होनी थी और उससे पहले हुई ट्रायल कोर्ट में एसीबी ने चार्जशीट पेश की थी। तो अब मेयर मुनीश गुर्जर की तरफ से जो वकील हैं दीपक चौहान, उन्होंने कहा कि जो चार्जशीट पेश की गई है उसे भी रद्द किया जाए और एफआईआर जो हुई है उसे भी रद्द किया जाए। तो जो चार्जशीट की कॉपी है वो हाईकोर्ट में पेश की गई है। अब दो हफ्ते के बाद इस मामले में अगली सुनवाई होगी, तभी ये साफ हो पाएगा कि हाईकोर्ट इस मामले पर क्या कुछ कहता है, क्या जो अपील मेयर मुनीश गुर्जर की तरफ से की गई, उनकी तरफ से जो दलील दी गई है कि उनकी तरफ से ना तो कोई डिमांड है ना उनकी तरफ से कोई रिकवरी हुई है, ऐसे में उन पर एफआईआर का कोई तुक नहीं बनता है। तो क्या इस बात को हाईकोर्ट स्वीकार करेगा या और नहीं इस मामले करेगा, पर परिवादी की ओर से क्या दलील पेश की जाएगी, उनके वकील क्या कह रहे हैं? देखिए, एसीबी ने जो अपनी चार्जशीट पेश की है उसमें साफ तौर पर उन्होंने बताया है कि कई सारे ऐसे मामले जो कि सालों से लंबित थे, लेकिन जैसे ही मेयर के पति सुशील गुर्जर के पास पैसे पहुंचे और उसके बाद उनके उनको पट्टे मिल गए, तो जाहिर है कि इस मामले में पूरी तरह से मेयर की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है जांच एजेंसी को, और यही जांच एजेंसी का तर्क भी है। साथ ही साथ जो छह फाइलें मेयर के आवास से मिली थी, उनके कार्यालय से मिली थी, उनमें तीन फाइलें ऐसी थी जिनके लिए जो शिकायत करता है सुधांशु, उसने पैसे देने की पेशकश सुशील गुर्जर को की थी। इन्हीं चीजों को आधार बनाया है एसीबी ने अपनी चार्जशीट में, और यही एसीबी का जांच एजेंसी का तर्क है। अब देखना यह है कि ये एसीबी का तर्क जो है वो मानती है कोर्ट, या फिर जो मेयर मुनीश गुर्जर की तरफ से वकील दलील दे रहे हैं उनको स्वीकार करती है। ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा सोमू, आगे की जानकारी मैं आपसे लूंगी। बहुत धन्यवाद आपका।